अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ मी अरबाब अली और एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। और आज जो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है क्रिकेट की दुनिया में, जिसको सबको वेट होता है, वो मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कि आज होने जा रहा है 2:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, एशिया कप का मैच है। और मैच से पहले शाहिन शाह का बयान आया है बॉलिंग के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि मुझे अंडर 16 से ये शौक होता था कि इंडिया के खिलाफ मुझे बॉलिंग का मौका मिले। शाहिन शाह को छोड़ें, आप कोई भी पाकिस्तानी बॉलर है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करे। शाहिन शाह ने बोला है कि अभी वो वाली वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, यानी कि इससे भी बढ़कर वो कुछ करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के मैच में क्या होता है, क्या करते हैं, लेट्स सी। कौमी फास्ट बॉलर का कहना था कि छोटी सी उम्र में उन्हें तीनों फॉर्मेट खेलने का मौका मिला है, तो आज भी वो बोल रहे हैं। तो आज उन्होंने बोला है कि इंडिया के खिलाफ वो अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। पिछले मैच में वो बोल रहे हैं उनसे वैसा परफॉर्म नहीं हो सका, हम तो यही बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनका ये कहना है कि आज वाला जो मैच है उसमें वो कुछ अलग ही करने वाले हैं। आई होप उनकी बॉलिंग अच्छी होगी, तो देखते हैं क्या होता है आज। आप सब ने मुझे सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर से हम सबको ही उम्मीदें हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का भी यही कहना है कि जो उनकी पेस फैक्ट्री है उन पर उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट बॉलर विकेट्स लेंगे तो जल्दी आउट कर सकते हैं। इंडियन बैटिंग लाइनअप पे प्रेशर भी है हमारी बॉलिंग का, तो देखते हैं आज क्या होता है।